हाय फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र फ्रॉम ट्रिपल IM एंड आपने प्रीवियस अपना प्रोडक्ट सीरीज़ देखा होगा। बहुत से हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट सीरीज़ लॉन्च कर चुके हैं जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। नाउ आपकी इतनी डिमांड की वजह से हम एक नए प्रोडक्ट का आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, उसका थोड़ा सा आपको डिटेल बताने वाले हैं। प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से अगर आप चाहते हो कि आप ले पाओ और इसका फ़ायदा उठा पाओ तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिए। सो आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट है प्रोमोग्रेनेट, जिसको हिंदी में NR कहते हैं। नाउ इसके बारे में मैं आपको पूरा फुल डिटेल बताता हूँ। जस्ट स्टार्ट विथ HS कोड। इसका HS कोड है 08109010। दिस इज़ अ HS कोड। अब इस HS कोड के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मार्केट में जाता कहाँ पे है, डिमांड कैसी है, क्वालिटी एंड और ज़्यादा डिटेल आपको डिफरेंट कंट्री के बारे में पता चलेगा इन द बेसिस ऑफ दिस HS कोड। देन अब ये आता है मैटर कि आखिर प्रोमोग्रेनेट इंडिया में मिलता कहाँ कहाँ पे है, किस किस स्टेट में प्रोमोग्रेनेट मिलता है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रोमोग्रेनेट सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलता है, देन इसके बाद गुजरात में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, मध्य प्रदेश में मिलता है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में आपको प्रोमोग्रेनेट मिल जाएगा। देन इसका दूसरा टॉपिक आता है, मिलने के बाद इसका सीजन कैसा है, सीजन किस सीजन में प्रोमोग्रेनेट होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये प्रोमोग्रेनेट महाराष्ट्र से ले रहे हैं तो राउंड ऑफ द ईयर आपको मिलेगा। देन नेक्स्ट डिफरेंट स्टेट में मार्च टू अप्रैल, मई टू जून, जुलाई टू अगस्त, डिफरेंट टाइम पे मिलते रहता है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन इसके बाद एक सबसे बड़ी बात सबके दिमाग में आती है कि ठीक है, अभी ये डिफरेंट स्टेट में मिल रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लेकिन सर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर अपन कहाँ ढूंढें, कहाँ पर जाएँ, इसके बारे में अपन प्रोडक्शन देख सकते हैं, कहाँ से हम माल खरीद सकते हैं, ये सबसे बड़ा आपको अच्छी चीज़ है, जानकारी चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर महाराष्ट्र में जाते हो तो सोलापुर, नासिक, सांगली, पुणे, यहाँ पे आप जाके इसका बहुत बड़ी फार्मिंग होती है बड़े लेवल पे, ये देख सकते हो। देन गुजरात में अगर बात करूँ तो भावनगर, अहमदाबाद, देन बनासकांठा, कच्छ, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे जाके आप प्रोडक्शन के जो भी फार्मर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सो वहाँ से जाके आप माल प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। देन कर्नाटका में, कर्नाटका की बात करूँ तो बीजापुर है, बेलागाम है, डिफरेंट जगह पे मिलता है, आप वहाँ से जाके माल ले सकते हो। और इसका पूरा फुल डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको अपेडा के अंदर, गवर्नमेंट की वेबसाइट है अपेडा, उसके अंदर पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी डिटेल ले सकते हैं। देन अब अपने को ये पता करना है कि आखिर प्रोमोग्रेनेट के अंदर कितनी क्वालिटीज़ आती हैं, इसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, और अपने को ये कैसे कैसे क्वालिटी पैरामीटर चेक करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा, इसमें ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आता है। ए ग्रेड के अंदर जो एक सिंगल प्रोमोग्रेनेट का वेट है वो 350 ग्राम से एवव होना चाहिए, एंड बी ग्रेड में 200 एंड 250 ग्राम, एंड सी ग्रेड में लेस देन 200 ग्राम। गाइज मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल, क्योंकि बेसिकली हम लोग खुद भी इस बिजनेस में है, एक्सपोर्ट करते रहते हैं, मैं आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। फॉरेन कंट्रीज को इंडिया के प्रोमोग्रेनेट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरा एक बायर था जो इंडोनेशिया में था, उसको ये भरोसा नहीं हो रहा था कि इंडिया में प्रोमोग्रेनेट 300 ग्राम का मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने उसका ये ट्रस्ट जीतने के लिए लाइव वीडियो भेजा, उसको प्रोमोग्रेनेट लिया, उसका वेट किया, 300 ग्राम से प्लस का था। देन इसके बाद उसकी क्वालिटी दिखाई, अंदर से उसको पूरा तरह से दिखाया कि रेडीस होता है, कट करके पूरा इन्फॉर्मेशन दिया, देन उनको बिलीव हुआ एंड हमको आगे ऑर्डर आने में थोड़ा सा सहूलियत मिलती है, थोड़ा आसान हो जाता है ऑर्डर का। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखना, मैक्स टू मैक्स लाइव चीज़ें दिखाने की कोशिश करना रिगार्डिंग प्रोमोग्रेनेट। जैसे वेट उसका 300 ग्राम है, 350 ग्राम है, 200 ग्राम है, जिस भी वेट का डिमांड कर रहा है। देन दूसरा आपको ये दिखाने की ज़रूरत है कि हमारी फार्मिंग कहाँ पे है, बहुत अच्छी क्वालिटी का हम फार्मिंग करते हैं। ये आपको अपने बायर को
दिखाने की सख्त जरूरत है, तभी वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। देन अब मैं इसका प्रमोशन काउंसिल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रोमो ग्रेनेट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसका प्रमोशन काउंसिल है अपेडा। अपेडा में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देन आप अपेडा आपको क्या क्या हेल्प करेगी, आपको बायर फाइंडिंग में हेल्प करती है, आपको टेस्ट रिपोर्ट देने में हेल्प करती है, एंड आपको प्रोक्योरमेंट पैकिंग सारा इन्फॉर्मेशन अपेडा आपको देता है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इसके अदर बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया टॉप टेन ऐसी कंट्री जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है ये अपना प्रोमो ग्रेनेड। उसमें आप पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, कतर, ओमान, श्रीलंका, कुवैत एंड बहरीन। दीज आर कंट्री जहाँ पे इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छी क्वांटिटी पे एक्सपोर्ट कर रहा है। एंड आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं इसमें शेयर करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने प्रोमो ग्रेनेड का चाइना में भी बहुत अच्छी डिमांड है, वो भी आप मार्केट सर्च कर सकते हैं। इसके बाद इंडोनेशिया भी मार्केट आप सर्च कर सकते हैं, इंडोनेशिया में बहुत अच्छा डिमांड रहता है प्रोमो ग्रेनेड का। सो इट्स डिपेंड ऑन यू। देन अब आप जो भी कंट्री चूज़ कर सकते हैं उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब मैटर आता है सर इसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए ताकि हमारा माल ख़राब ना हो। जनरली जो अपेडा में जो इसका डिटेल दिया हुआ है वो 5 kg की पैकिंग के हिसाब से पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आपकी 5 kg की पैकिंग में कार्टन का कितना लेयर होगा, उसके GSM कितना होगा, उसमें इनर साइड में अपन फिल क्या रखते हैं ताकि प्रोमोग्रेनेट ख़राब ना हो, नंबर ऑफ प्रोमोग्रेनेट इन पर कार्टन एंड बॉक्स, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल से अपेडा के अंदर दिया हुआ है। आप एक बार इसको चेक कर लेना। देन आफ्टर पैकिंग बहुत से स्टूडेंट का एक ये डाउट होता है, सर क्या मेरे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह का सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट कंट्री में सर्टिफिकेट उनके हिसाब से होता है, लेकिन मेजर सर्टिफिकेट जो रिक्वायरमेंट होता है, जो ज़्यादा लोग वो मांगते हैं, वो है गैप सर्टिफिकेट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और आपको ज़्यादातर गैप मिलेगा, प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे। देन आपको HACCP एंड आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, 2 से 3 ही सर्टिफिकेट ज़्यादातर डिमांड करते हैं। लेकिन ये जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ हैं यहाँ पे कोई ज़्यादा सर्टिफिकेट डिमांड करते नहीं, हम अपेडा में रजिस्ट्रेशन रहते हैं, दैट सफिशियंट फॉर हिम। आसपास की कंट्री इन द सेंस ऑफ के नेबर कंट्री जो भी हैं हमारे इंडिया की, लेकिन यूरोपियन कंट्री और आप USA एंड यूरोपियन कंट्री की बात करूँ तो वहाँ पर ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। देन आफ्टर सर्टिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आफ्टर सर्टिफिकेशन आपको ये देखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमको इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में क्या हेल्प कर रही है, क्या मदद करती है। आपको गवर्नमेंट इसमें बेनिफिट देती है जो कि MEIS है, दैट 7%। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 0.15% मिलता है ऑन FOB वैल्यू। और अगर आप इसका प्रोसेसिंग यूनिट डाल के रखे हैं तो आपको MSME के थ्रू भी 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। ओके गाइज, दिस इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी मैंने आपको दिया वो सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग प्रोमो ग्रेनेड के बारे में। लास्ट में एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप इसके ऑर्डर के बारे में बात करें या बायर आपसे इसके बारे में मांगे पेमेंट एंड डिलीवरी टर्म्स की बात करें, तो आप प्लीज़ जिसमें आप कम्फर्टेबल हो वही देना। इसको ऐसा कोई भी उधारी देने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार कंसिडर करना कि पेमेंट टर्म्स आपका सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। इसको आप ऐसे ही किसी को विदाउट इन्फॉर्मेशन के एक्सपोर्ट करोगे तो आपका माल फंसने की या फिर आपका पैसा रिटर्न ना आए इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फॉर एनी अदर डाउट्स आप IIIM में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट एंड हेल्प करते हैं। ओके, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी या फिर किसी भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर हम रिसर्च करें, शेयर करें, या उसके ऊपर हम जानकारी निकाल के आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज़ आप उस प्रोडक्ट के बारे में #KnowMyProduct करिए। हम वो प्रोडक्ट के बारे में आपको नया वीडियो और उसका डिटेल निकाल के देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।